देश टीवी की सुर्खियों में देखते हैं आज की देश विदेश की चर्चित खबरें। 23 जनवरी की सुर्खियों में पहले स्थान में है गणतंत्र दिवस पर पहली बार युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे पीएम मोदी। भारत में गणतंत्र दिवस की तैयारी जोर शोर पर चल रही है। दिल्ली के इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस परेड की आज फुल ड्रेस रिहर्सल थी। इस साल पहली बार ऐसा भी होने जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देते हुए माल्यार्पण करेंगे। गणतंत्र दिवस के डिप्टी परेड कमांडर मेजर जनरल आलोक कक्कर ने कहा कि ये पहली बार होगा जब तीनों सेना के प्रमुख पीएम मोदी को रिसीव करेंगे और इसके बाद वो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देते हुए माल्यार्पण करेंगे। आज की सुर्खियों में दूसरे स्थान पर है केरल की SSUS ने किया CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। केरल विधानसभा के बाद अब राज्य के कलादी में श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत ने भी CAA 2019 के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। ऐसा करने वाली SSUS देश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। यूनिवर्सिटी के 15 सदस्यीय सिंडिकेट ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया है। सिंडिकेट ने कानून का समर्थन करने वालों की ओर से स्टूडेंट और टीचर्स पर भी की गई हिंसा की कड़ी निंदा की है। प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, साथ ही देश भर में युवाओं पर हिंसा की जा रही है। आज की सुर्खियों में तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार की नई पीढ़ी। बालासाहेब ठाकरे की जयंती पर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नया झंडा जारी किया है। झंडे का रंग बदलकर भगवा करने के अलावा राज ठाकरे ने एक और बड़ा बदलाव किया है। राज ने अपने बेटे अमित ठाकरे को राजनीति में उतार दिया है। अमित ठाकरे अब पिता की पार्टी MNS में शामिल हो गए हैं। अमित ठाकरे को राजनीति में लाने का फैसला राज ठाकरे ने ऐसे वक्त में किया है जब उनके चचेरे भाई उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और भतीजे आदित्य ठाकरे कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ राज ठाकरे की सियासी लिहाज से सड़क पर हैं। आज के सुर्खियों में चौथे स्थान पर है निर्भया के दोषी के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने वाले जज का ट्रांसफर। निर्भया रेपकांड के दोषियों का डेथ वारंट जारी करने वाले जज सतीश कुमार अरोरा का ट्रांसफर हो गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात जज सतीश अरोरा को अब सुप्रीम कोर्ट भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट में उन्हें अतिरिक्त रजिस्ट्रार के तौर पर एक साल के लिए डेपुटेशन पर भेजा गया। साल 2012 में दिल्ली में हुए गैंगरेप के चारों दोषियों के खिलाफ बीते दिनों ही डेथ वारंट जारी किया गया था। ये मामला पिछले कई वर्षों से अदालत के चक्कर काट रहा था, लेकिन अब 1 फरवरी 2020 की सुबह 7 बजे फांसी देने का समय तय किया गया है। आज के सुर्खियों में पांचवें स्थान पर है CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने को शशि थरूर ने बताया राजनीतिक कदम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का राज्यों का कदम राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि नागरिकता देने में उनकी बमुश्किल ही कोई भूमिका है। सांसद ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी NRC के क्रियान्वयन में राज्यों की अहम भूमिका होगी, क्योंकि केंद्र के पास मानव संसाधन का अभाव है। ऐसे में उनके अधिकारी ही इस काम को पूरा करेंगे। थरूर ने कहा कि यह एक राजनीतिक कदम अधिक है। नागरिकता संघीय सरकार ही देती है और यह स्पष्ट है कि कोई राज्य नागरिकता नहीं दे सकता, इसलिए इसे लागू करने या नहीं करने से उनका कोई संबंध नहीं है। आज के सुर्खियों में छठे स्थान पर है भारत के खिलाफ बयानबाजी मलेशिया को और पड़ेगी भारी। कश्मीर और नागरिक संशोधन कानून पर बयानबाजी के चलते मलेशिया की मुश्किलें बढ़ने वाली है। खबर है कि भारत अब पाम ऑयल के आयात में कटौती के बाद कई और चीज़ों की खरीदारी पर रोक लगाने वाला है। हालांकि मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कहा कि भारत को जवाब देने के लिए वो बहुत छोटे देश हैं, ऐसे में वह कोई समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। भारत अब मलेशिया से आयात होने वाली कई और चीज़ों पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है। कैबिनेट सचिव ने इसको लेकर वाणिज्य मंत्रालय को एक पत्र भी लिखा है। आज के सुर्खियों में सातवें स्थान पर है फरवरी में होगा ट्रंप का भारत दौरा। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन में हुए इस बेहद खास कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मंच साझा किया था। इसे देखने के लिए करीब 50,000 लोग पहुंचे थे। अब ऐसा ही कार्यक्रम ट्रंप के भारत दौरे पर किया जाएगा। फरवरी में होने वाले इस कार्यक्रम को फिलहाल गुजराती नाम दिया गया है, केम छो ट्रंप, यानी ट्रंप आप कैसे हैं।
इस कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद में होना है। आज के सुर्खियों में आठवें स्थान पर है सुकमा के किस्टाराम में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुकमा के किस्टाराम इलाके में पुलिस की डीआरजी टीम और नक्सलियों का सामना गुरुवार की सुबह हो गया। नक्सलियों ने डीआरजी टीम पर हमला कर दिया। इसके बाद डीआरजी की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। कुछ देर तक दोनों ओर से फायरिंग घंटों जारी रही। इसके बाद खुद को कमजोर पड़ता देख नक्सली जंगलों की आड़ लेकर फरार हो गए। सुकमा एसपी शलभ सिन्हा ने किस्टाराम में मुठभेड़ की पुष्टि की है। एसपी के मुताबिक मुठभेड़ में कोई हताहत नहीं हुआ है। आज के सुर्खियों में नवें स्थान पर है मलंग का नया सॉन्ग हमराह हुआ रिलीज। बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर, एक्ट्रेस दिशा पटानी और अनिल कपूर की फिल्म मलंग का सॉन्ग हमराह रिलीज हो गया है। इस गाने में दिशा पटानी और आदित्य रॉय कपूर का बेफिक्री अंदाज देखने को मिल रहा है। आदित्य और दिशा का इस गाने में रोमांटिक अंदाज तो देखने को मिल ही रहा है, साथ ही ये दोनों स्काई डाइविंग, सबविंग, वाटर काइट सर्फिंग, राइडिंग क्वाड बाइक्स आदि जैसे बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सचेत टंडन की आवाज़ में गाया गया हमराह सॉन्ग कुणाल वर्मा द्वारा लिखित है। यह गाना फैंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। इस गाने को रिलीज के कुछ देर में ही 1 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। आज के सुर्खियों में 10वें स्थान पर है निखत जरीन और शिव थापा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। 4 बार के एशियन पदकधारी शिव थापा और गत चैंपियन निखत जरीन ने स्ट्रांजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। निखत ने इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीत चुकी प्रतिद्वंदी सेवड़ा असेनोवा को दूसरे दौर में मुकाबले में हराया है। इस टूर्नामेंट में 30 देशों के लगभग 250 मुक्केबाज हिस्से ले रहे हैं। पुरुषों के वर्ग में विश्व चैंपियनशिप के पूर्व कांस्य पदक विजेता थापा ने पोलैंड के पावेल पोलाकोविच को 5-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह पक्की की है। दुर्योधन सिंह नेगी और मोहम्मद हसमुद्दीन अपने अपने पहले दौर के मुकाबले जीत गए हैं। नेगी ने पोलैंड के पोलस्की को हराया है, जबकि हसमुद्दीन ने फ्रांस के एंजो ग्राउ को मात दी है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।